हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एमके के एजुकेयर इन दिस वीडियो वी विल नो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ़ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड देन लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर व्हाट वाज़ द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो लेंचो के अनुसार वह एकमात्र चीज क्या थी जो अर्थ को जरूरत थी फर्स्ट ऑप्शन है अशावर पानी की बौछार सेकेंड ऑप्शन है अ स्नोफॉल ओले ओलावृष्टि थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवा यानी आंधी तूफान फोर्थ ऑप्शन है सनलाइट सूरज की प्रकाश तो सोचिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो लेंचो के अनुसार धरती को जो एकमात्र चीज जरूरत थी वह क्या थी असावर स्नोफॉल स्ट्रॉन्ग विंड्स सनलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असावर हल्की पानी की बौछार की ज़रूरत थी उसके फसल को फसल उसका पका हुआ था ठीक है उसमें अभी फूल लगे हुए थे अगर थोड़ा सा बरसा की बूंदे हो जाती बौछार हो जाती सावर तो उसके फसल पुष्ट होते अच्छा होते हेल्दी क्रॉप्स होता ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज ड्रॉप्स टू लेंचो ने बड़ी बड़ी जो बूंदें थी उसकी तुलना किससे की फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर क्वाइंस सेकेंड है पर्ल्स थर्ड ऑप्शन है डायमंड्स फोर्थ ऑप्शन है न्यू क्वाइंस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू क्वाइंस जो बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही थी वर्षा की उसकी तुलना न्यू क्वाइंस से किया गया चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर द डैमेज डन टू द्रॉप्स टू इसका फर्स्ट ऑप्शन है एन अटैक बाई रैट्स सेकेंड ऑप्शन है एन अटैक बाई पिक्स थर्ड ऑप्शन है ऑन अटैक बाई ब फैलोज फोर्थ ऑप्शन है एन अटैक बाई लोकस्ट्स सोचिए क्या हो जाएगा लेंचो कॉम्पेयर द दे डैमेज डन टू द क्रॉप्स टू मतलब उसकी फसल का जो नुकसान हुआ उसकी तुलना वह किस चीज़ से वह कर रहा था एक तो ओला बृष्टि आंधी तूफान से उसका तुलना हो गया और वह अपने उस लेसन में कौन सी दिया हुआ है जिसकी तुलना किया जाता है तो इसका रैट का तो उसमें जिक्र नहीं है यह पिग का भी जिक्र नहीं है और यह बफेलो का भी जिक्र नहीं है लोकस्ट का उसमें मेंशन है चैप्टर में तो एन अटैक बाय लोकस्ट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचू डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट लास्ट रिसोर्ट यहाँ पे गॉड को कहा गया है मतलब गॉड से अंत में उसने कांटेक्ट करने का कैसे निर्णय लिया फर्स्ट ऑप्शन है बाय विजिटिंग हिम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से विजिट करके सेकंड ऑप्शन है बाय राइटिंग अ लेटर लेटर लिखकर थर्ड ऑप्शन है बाय राइटिंग एन ईमेल ईमेल लिखकर फोर्थ ऑप्शन है बाय मेकिंग अ कॉल कॉल करके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय राइटिंग अ लेटर बी आंसर सही हो जाएगा फिफ्थ एंड लास्ट एम है इस चैप्टर का ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमैन वॉज मूवड बाई लेंचोज मतलब उस लेटर को देख कर पोस्ट मैन जो है मूव हुआ द तो लेंचो के किस चीज़ को लेकर फर्स्ट ऑप्शन है अनवेवरिंग फेथ इन गॉड भगवान में अटूट विश्वास को लेकर सेकेंड ऑप्शन है अनरिजनेबल डिमांड अनावश्यक मांग को लेकर ऑप्शन सी है लव फॉर गॉड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एव ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनवेवरिंग फेथ इन गॉड भगवान में अटूट विश्वास को लेकर लेकर पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो की तरफ आकर्षित हुआ उसके तरफ मूव हुआ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू